वेलकम बैक माय YouTube चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो दोस्तों अभी हमें सुंदरगढ़ में और सुंदरगढ़ से लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है श्री श्री स्वप्नेश्वर महादेव। अब मेरे पीछे में बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर बेलसरा नामक गांव है जहाँ पर ये स्वप्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यह गाँव के अंदर है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फेमस है सुंदरगढ़ के आसपास। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सुंदरगढ़ के स्वप्नेश्वर महादेव जी को। इस सावन सोमवार आपको घर बैठे हम दर्शन कराने वाले हैं सुंदरगढ़ का स्वप्नेश्वर महादेव जी का। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर व्यू को जिस प्रकार से खेतों के बीच में यह मंदिर को बनाया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, आसपास का व्यू को मैं दिखाऊंगा ही। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर का एरियल व्यू देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर वाइड एंगल में कुछ इस प्रकार से और नॉर्मल आप देख सकते हो। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं दोस्तों। जैसे आप मंदिर में आओगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो आम के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं और ये मंदिर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर को बनाया गया है देख सकते हो। दिखाता हूँ मैं ऊपर से, यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर शिवलिंग भी बनाया गया है। ये कुछ इस प्रकार से मंदिर के व्यू है, चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो ये मंदिर का एरियल व्यू है, चलिए मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है, मंदिर को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है आप देख सकते हो इस प्रकार से। चलिए मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यह मंदिर प्राचीन है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर दीवार को आप देख सकते हो प्राचीन सी मंदिर और यहाँ से दीवार है और यहाँ से दर्शन करने के लिए आपको एक छोटा सा दरवाजा मिलता है, उससे आना पड़ता है देख सकते हो। और यहाँ पर शिव जी का कुछ इस प्रकार शिवलिंग है और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है देख सकते हो, ये प्राचीन मंदिर के अंदर में यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो दर्शन करने, सावन सोमवार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा रहता है यहाँ पर। और शिवलिंग को देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, शिवलिंग यहाँ पर है और प्राचीन प्राचीन यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पर दीवार को देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, बहुत ही प्राचीन है। चलिए यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, हम आ गए हैं। सो गाइस अभी हम हैं स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर के अंदर में और यह मंदिर को देख सकते हो बहुत ही प्राचीन है और एक छोटा सा दरवाजा से अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर शिव जी का बहुत ही प्राचीन मूर्ति है तो आप देख सकते हो। और अगर आप सुंदरगढ़ या झारसुगुड़ा के आसपास हो तो यहाँ पर आ सकते हो, इस मंदिर का दर्शन कर सकते हो, ये बहुत ही प्राचीन है। और चलिए यहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं फिर चलते हैं। और तो वही यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से शिवलिंग है, चलिए और आपको दिखाते हैं बाहर से। दोस्तों मंदिर का व्यू देख सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है आसपास के व्यू को, चलिए और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो छोटी छोटी मूर्तियां बनाए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नंदी जी को बनाए हुए हैं और ऊपर में कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ पर। चलिए और भी आपको दिखाते हैं।
देख सकते हो मेरे पीछे में है स्वप्नेश्वर महादेव जो कि सुंदरगढ़ के आसपास है। चलिए और भी दिखाते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।